वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज तेशियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केस स्टडी ऑन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या कोई कमी लगती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, और कोई कमी लगती है तो कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं वो कमी दूर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे, जिसके अंदर की नेम, एस, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डायग्नोसिस, ये जनरल चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद में हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट लिख लेंगे पेशेंट की, प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट के बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री के बाद प्रेजेंट इलनेस के बाद में ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिख लेंगे, पार्ट साइकियाट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे। इसके बाद में पर्सनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर पेरिनेटल हिस्ट्री लिखेंगे सबसे पहले, पेरेंटल के बाद में चाइल्डहुड हिस्ट्री लिख लेंगे, ये चाइल्डहुड हिस्ट्री हो जाएगी पेशेंट की। चाइल्डहुड हिस्ट्री के बाद में हम एजुकेशनल हिस्ट्री लिख लेंगे, पढ़ाई चालू कब की थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था, पीयर ग्रुप और टीचर के साथ में रिलेशन कैसे थे, स्कूल फोबिया वगैरह था क्या, ये हो जाएगा एजुकेशनल हिस्ट्री में। इसके बाद में प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, प्ले हिस्ट्री के बाद में इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट लिख लेंगे। इसके बाद में प्यूबर्टी के बारे में लिख लेंगे इन्फॉर्मेशन, प्यूबर्टी के बाद में ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे पेशेंट की, ऑक्यूपेशन के बाद मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे, मैरिटल हिस्ट्री के बाद में प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि IPR कैसा है, फैमिली सोशल रिलेशनशिप कैसा है, प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है, यूजुअल स्ट्रेस रिएक्शन कैसा है। ठीक है, इसके बाद में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे, इसके बाद में पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लिख लेंगे, और जनरल अपीयरेंस कैसा है पेशेंट का, मतलब जनरल एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर की वाइटल्स देख लेंगे सबसे पहले, तो वाइटल्स के बाद में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एब्डोमेन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, लिम्फ नोड, पेल्विक एग्जामिनेशन कर लेंगे, और एनी अदर साइन अगर देखने को मिलता है तो उसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसके अंदर अपीयरेंस, फेशियल अपीयरेंस, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, कपड़े कैसे पहन रखे हैं उसने, कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, बिहेवियर, आई टू आई कॉन्टैक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटी, पोस्चर, अदर मूवमेंट, अदर कैटोनिक एक्टिविटी, हेलुसिनेटरी बिहेवियर, अगर कुछ भी है इनमें से तो वो चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद हम स्पीच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि इनिशिएशन कैसा है स्पीच का, इनिशिएशन के बाद में रिएक्शन टाइम कैसा है, रेट कैसी है, प्रोडक्शन कैसा है स्पीच का, और टोन कैसी है, टोन के अंदर लाउड है या फिर स्लो है। इसके बाद में मूड एंड अफेक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि प्लीजरेबल है मूड, अनप्लीजरेबल है या फिर अदर है, जैसे कि एनजाइटी, एपैथी, मूड स्विंग, एम्बिवेलेंस। ठीक है, इसके बाद थॉट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पेशेंट की, जैसे फॉर्मेशन है, प्रोग्रेशन है, कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद में परसेप्शन लिखेंगे पेशेंट का, परसेप्शन के अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं है, जैसे कि इल्यूजन, हेलुसिनेशन। इसके बाद में कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में लिख लेंगे पेशेंट के, कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, अटेंशन कैसा है, और जजमेंट कैसा है, जजमेंट में हम पुअर जजमेंट लिख लेंगे। इसके बाद मेमोरी लिख लेंगे पेशेंट की, मेमोरी कैसी है, मेमोरी के बाद में मोटर एक्टिविटी कैसी है, जैसे हाइपर एक्टिव है, डिसएक्टिव है या फिर डिक्रीज एक्टिविटी है। इसके बाद में हम इनसाइट लिखेंगे पेशेंट के, रिलेटेड टू 1 to 6 पॉइंट स्केल इनसाइट। के बाद में हम नीड ऑफ पेशेंट लिख लेंगे, जो जो नीड हमको फुलफ़िल करनी है नीड ऑफ पेशेंट। के बाद में हम डिजीज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन लिख लेंगे डिजीज़ का, इंट्रोडक्शन के बाद में डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन के बाद इंसिडेंस लिख लेंगे, इंसिडेंस के बाद एटियोलॉजी लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट। एटियोलॉजी के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे हमको। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे हम, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, ठीक है, इसके बारे में लिख लेंगे। इसके बाद में ट्रीटमेंट क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रीटमेंट के बारे में लिख लेंगे। ट्रीटमेंट के बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, जो भी हम पेशेंट के अंदर असेस करेंगे वो चीज़ें लिख लेंगे। असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके अकॉर्डिंग हम NCP बनाने वाले हैं, ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे। इसके बाद में हम NCP बनाएंगे, ये NCP हो जाएगा, पहला हो जाएगा इनफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन। आप वीडियो पॉज करके और क्वालिटी हाई करके लिख सकते हैं आराम से, ये हमारा पहला NCP हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। इस सेकंड एनसीपी लिख लेंगे हम। इसके बाद थर्ड एनसीपी लिख लेंगे हम लो सेल्फ स्टीम का। इसके बाद में फोर्थ एनसीपी लिख लेंगे हम डिस्टर्ब फैमिली कॉपिंग का। ये हमारा डिस्टर्ब फैमिली कॉपिंग का हो जाएगा एनसीपी। इसके बाद में हम नॉलेज डेफिशिएट का एनसीपी लिख लेंगे एक। हमारा नॉलेज डेफिशिएट के ऊपर हो जाएगा एनसीपी। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन लिख लेंगे हम। ये हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी और हेल्थ एजुकेशन के बाद में लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने कौन कौन से बुक का रेफरेंस लिया है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने और लिखने के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको जैसा पहले बताया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर विशेषकर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।